बाउंस बैक करेंगे। क्या करेंगे? बाउंस बैक करेंगे। होटल इंडस्ट्री संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटलियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडियन होटलियर्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके होटल मैनेजमेंट के करियर को लेकर। आप लोगों में से कुछ लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, कोई लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सर आप अपने ओपिनियन बताइए कि हमको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं इस कोविड के टाइम पर। देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बट क्यों करना चाहिए? बिकॉज यहां पर जितने भी होटलियर्स हैं वो ऑलरेडी जॉबलेस हैं, ठीक है। जो जिनने होटल मैनेजमेंट कर लिया या फिर जिन जो लोग अभी होटल मैनेजमेंट करके बैठे हुए हैं, जिनके पास डिग्री आ चुकी है, वो लोग खुद अभी जॉबलेस हैं, तो हमको क्यों करना चाहिए? आप हमको क्यों सजेस्ट कर रहे हो कि आप हमको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए? देखिए, सिंपल कि देखिए, अभी आप अभी ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है वो 3 साल बाद आपको मिलने वाली है, 3 साल बाद आप पास आउट होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट, आपको क्या लगता है कि जो कोविड का सिचुएशन है वो 3 साल तक और चलेगा? शायद मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज अभी ऑलरेडी यू नो जो अभी आपके जितने भी मेडिसिन वगैरह ऑलरेडी आ चुकी हैं, राइट। तो डेफिनेटली बहुत जल्द हो जाएगा, ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, और जो जिनके पास डिग्री मिल गई है उनको भी जॉब मिल जाएगी, और जिनके पास अभी जो होटल मैनेजमेंट करके जो अभी जॉबलेस हैं उनको भी डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। बिकॉज जो अभी यू नो जो पिछली बार हुआ था वहां पर हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी बूस्ट करेगी हमारी इंडस्ट्री। हमने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको वापस आने में, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। जैसे लॉकडाउन खुला लोग भागे भागे आए होटल में रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मैं गोवा में था और वहां पर तो मतलब कहां 0% ऑक्यूपेंसी थी और वहां पर से डायरेक्ट 80-90% ऑक्यूपेंसी होने लग गई। तो समझ लो कि यार लोग ये यू नो खाना पीना घूमना लोग कभी नहीं छोड़ सकते। और मुझे डेफिनेटली ये पता है कि जो ये 2 साल के अंदर जो ये गैप हुआ है, जो होटल इंडस्ट्री अभी रुकी हुई थी, ठीक है, इसका टाइम एक रुक गया था, बट इसका टाइम खत्म नहीं हुआ है। ये जो अभी जितने भी होटल्स के ओनर्स हैं, जो इतने बड़े बड़े मैनेजर्स हैं ना, ये 2 साल जो ये 1.5 साल अभी ये लोग होटल अभी इनको जो लॉस्ट हुआ है वो इसको रिकवर करने के लिए इतना मेहनत करेंगे कि समझ लो कि ये इंडस्ट्री अभी जो 10 साल में नहीं आगे बढ़ने वाली थी, ये कुछ 4-5 सालों में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। मुझे ये लगता है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि ये इंडस्ट्री अभी 4-5 साल में इतना बूस्ट करेगी, बट डेफिनेटली वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ने वाली। तो मुझे लगता है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपने सोचा है कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, तो डेफिनेटली आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, राइट। इसमें किसी का कहने से या फिर किसी के देखने से ऐसा नहीं है, बट हाँ यहां पर के बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको कि आपको पता होना चाहिए होटल मैनेजमेंट को लेकर। मैंने उसके टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं। आप चाहिए कि कॉलेज कैसे चूज करना है, आपको होटल मैनेजमेंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कैसा होटल आपको चूज करना चाहिए, और उसके फ्यूचर के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे अपने ओन ओपिनियन से, मैं तो कहूंगा कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है इस होटल मैनेजमेंट के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। देखिए, आप अभी अदर कंट्रीज के बारे में देखिए, वो लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, वहां पर की जो रेगुलर लाइफ थी वो ऑलरेडी वहां पर अपने ट्रैक पे आ चुकी है। बस ये इंडिया में थोड़ा सा यू नो पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर की बातें हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें, वो हम लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत जल्दी हम लोग रिकवर करेंगे, और यू नो जो हमारे बहुत ही एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, बाउंस बैक करेंगे। क्या करेंगे? बाउंस बैक करेंगे। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और हाँ, आपको होटल इंडस्ट्री के सम रिलेटेड रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज होती हैं तो मेरे को मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप पिंग कर सकते हैं, हम डेफिनेटली वहां पर जाके मैं आपके क्वेरीज की सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंडियन होटल यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट, थैंक यू सो मच।